एनएलपी में आप क्या करना चाहते हो. सी दिस इज अ फर्स्ट सेशन, तो मैं आप लोगों को भी जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या है ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए. वॉट इज एनएलपी टू यू? इसका मैंने डेफिनेशन पहले भी बताया है, अगेन आई विल टेल यू. इट इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो जब एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलता है तो क्या होता है, स्पार्क्स आते हैं और वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर उससे फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है. उसके हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है, हमारा माइंड काम करता है. ये थोड़ा टेक्निकल है, बट सिंपल लैंग्वेज में जब भी हम, वेन एवर वी थिंक, कोई भी थॉट हमारे पास आता है, हम उसको एनालाइज करते हैं. हमारा माइंड अपने आप एनालाइज करता है, ओके. और एनालिसिस किन चीजों पर होता है बेस्ड? सबसे पहले तो जो आपने उसको देखा है, फिर आपने उसके बारे में कुछ सुना है, या फिर आपको कुछ ऑडियो आ रहा है उसका, या आपने कुछ आवाजें आ रही है. ठीक है. और फिर एक फीलिंग आती है. कभी कभी क्या होता है, किसी की आवाज सुन के आपको शिवरिंग होती है. रजिस्टर किया है ये? शेर दहाड़ेगा आपके कान के पास तो क्या होगा, पूरा शरीर थर थर कांपेगा, है ना. जबकि उसने आपको ना टच किया है, आप हो सकता है आपने उसको देखा भी ना हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी दहाड़ से, द वॉइस, जो वो शेर की आवाज है, उससे ही कांप जाओगे, ठीक है ना. आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है. अब जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है तो क्या होता है, चलिए हम शेर पे ही आज बात करेंगे. आज हाथी घोड़े सब साइड में रखते हैं, आज शेर को पकड़ते हैं. चलिए बताइए, जब आपका, आपको आवाज आ रही है शेर की, ठीक है, आपकी, योर होल बॉडी इज वाइब्रेटिंग, है ना, पूरी तरह से थर थर कांप रही है, तो फर्स्ट थिंग क्या आएगा आपके दिमाग में? भागने के लिए. भागने के लिए. और उससे पहले पसीना आएगा सर, मैम बहुत पसीना आएगा, डर लगेगा. डर लगेगा मैम, बचने का ख्याल आएगा सबसे पहले, कि बचे इससे पहले क्या, शेल्टर ढूंढेंगे हम, कोई पेड़ पे चढ़ जाएं ऊपर. सबसे पहले डर होगा, तभी तो वाइब्रेशन आई, तभी तो आपकी फिजिकल बॉडी रिएक्ट कर रही है ना. आवाज आपके कान में गई तो सबसे फर्स्ट फीलिंग क्या है? सबसे फर्स्ट फीलिंग डर है. यस मैम. और डरने के बाद फिर दिमाग चलेगा कि क्या करना है, इस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए या इस चीज से बचने के लिए फिर आपको क्या करना है. तब उस, तब आपका मेंटल साइड एक्टिवेट होगा ना. सबसे पहले तो डर ही लगेगा, ठीक है ना. तो इसको हम एनएलपी में कहते हैं फियर मोड. और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि भागना है कहीं पर, वो चीज को लेना है, यू नो, कहाँ चढ़ के हम बचे अपने आप को, उसको हम कहते हैं फ्लाइट मोड. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना. तो मैम क्या ये नोट डाउन करना पड़ेगा आप जो बोल रहे हैं, फ्लाइट मोड, फ्लाइट मोड? तो आपके लिए अच्छा है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोट्स में कुछ चीजें होती है, ठीक है, बट नोट्स क्या होते हैं ना, प्रिसाइज होते हैं, पॉइंट वाइज होते हैं, है ना. लेकिन जब आप लिखते हो एंड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, और जो आप समझ रहे हो, दैट इज डिफरेंट. इसलिए बोलते हैं लाइव क्लासेस आर ऑलवेज गुड.